तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ओटीपी को वेरीफाई करेंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और मेरे ओटीपी आएगा, उसको मैं वेरीफाई करने वाला हूँ आज। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर मैं गलत डालता हूँ तो एक एरर शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये बटन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को वेरीफाई कोड करने के लिए यहाँ पर एक, मतलब इसके पास एक ओटीपी के लिए इनपुट होना चाहिए ना, जहाँ पर मैं इनपुट डालूंगा, मतलब ओटीपी डालूंगा। तो आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर फॉर्म के पास, ठीक है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख रखे हों, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्म के नीचे एक फॉर्म बना लेता हूँ, लाइक फॉर्म करके, ठीक है। मैं यहाँ पर ज्यादा डिजाइनिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइक एक लेवल ले लेता हूँ। लेवल में मैं लिख देता हूँ एंटर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पर एक इनपुट होगा, लाइक इनपुट में टाइप टेक्स्ट रख लेता हूँ, ठीक है। एंड देन आईडी मैं यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नीड पड़ने वाली, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिफिकेशन कोड करके, ठीक है। ये मेरी आईडी हो गई। एंड देन यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर दूंगा, लाइक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एंटर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो इतना काम करना है। एंड देन यहाँ पर मैं थोड़ा वीआर दे देता हूँ, जिससे कि मैं एक बटन और यहाँ पर बना लूँ, ठीक है। बटन होगा यहाँ पर, जिसका मैं टैब भी बटन रख लेता हूँ, ठीक है। नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। एंड देन यहाँ पर मैं करूँगा वेरीफाई कोड, इसका टेक्स्ट वेरीफाई कोड, ठीक है। अब इसके क्लिक पर हमें एक मेथड कॉल कराना है, तो अभी हमने वो मेथड बनाया नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अभी बनाना होगा, तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक लगा लेते हैं जब तक इवेंट लिसनर। एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरीफाई कोड, ठीक है। अब इस मेथड को क्रिएट करने का टाइम आ चुका है, और यहाँ पर हम जो है इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, लाइक फंक्शन एंड देन वेरीफाई कोड। अब ये क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो हम अपना व्यू देख लेते हैं कि क्या व्यू बना है अभी हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब चिपक के ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा इसको हटाते हैं, मार्जिन टॉप देता हूँ, लाइक स्टाइल मार्जिन टॉप मैंने दे दिया, लाइक 50 पिक्सल या 100 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा सा हो जाए अभी ठीक लगेगा, हाँ अभी ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं वेरीफाई करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी गया मेरे पास, ठीक है। अभी मान के चलिए, भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को क्या कोड करना है, सबसे पहले ना मैं एक सक्सेस मैसेज, मतलब इसका एक सक्सेस मैसेज के लिए यहाँ पर मैं एक अलग से डिव और बना लेता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डिस्प्ले नन होगा, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर, सॉरी डिस्प्ले नन था, यहाँ पर ग्रीन है। एंड देन यहाँ पर इसका आईडी दे लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपना खुद का एक मैसेज शो कराना है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया सक्सेस मैसेज करके, ठीक है। मतलब सक्सेस है, वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे जिसमें, जिससे कि हम पता कर पाए कि हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं उस इनपुट में से वैल्यू निकाल लेता हूँ, लाइक कोड इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर मैं जेक्वेरी यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो डॉलर। एंड देन यहाँ पर हैज वेरिफिकेशन कोड है उसकी आईडी, तो वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन कोड डॉट वैल, जो भी बंदा वेरिफिकेशन कोड डालेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आई, ठीक है। जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा, तब हम यहाँ पर देखा होगा आपने कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोड रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस कोड रिजल्ट को मैंने लास्ट लेक्चर में ही बनवा दिया था, पर अब हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करने वाले हैं कोड रिजल्ट का यूज करके, कोड रिजल्ट डॉट कन्फर्म, ठीक है, डॉट कन्फर्म, ठीक है। ये मेथड होता है, इसके अंदर बेसिकली मेरे को कोड पास कर देना, जो भी यूजर ने डाला है, चाहे एबीसीडी डाली हो, चाहे नंबर डाला हो। एंड देन यहाँ पर देन लगाना है, फिर इसके अंदर आप, सॉरी डॉट देन, एंड देन यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे, इनर फंक्शन, ठीक है। अब इस इनर फंक्शन के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, ये यहाँ पर रिजल्ट लेकर के आएगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो भी इसका परिणाम निकलता है कि कोड आपका गलत है या सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक मैं चाहूँ तो यूजर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यूजर को रख लेता हूँ, लाइक रिजल्ट डॉट यूजर करके, ठीक है। इसको आप एक वेरिएबल में रख लीजिए, यहाँ पर यूजर इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूजर देगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सक्सेस मैसेज दे देंगे अगर आपका ये सक्सेसफुल होता है, ठीक है। वरना यहाँ पर जो है कैच लगाना है। सबसे पहले मैं कैच को बता देता हूँ, बाद में हम उसको वेरीफाई कर, मतलब अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है।
इसके अंदर मेरे को एक इनर फंक्शन पास करना है एंड देन इनर फंक्शन ये बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को एरर शो करानी है, तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एरर का तो मेरा एक ही है जो कि रेड कलर का है। एंड देन एरर में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो एरर होगा यहाँ पर मैं एरर पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है, एरर डॉट मैसेज करके जो भी मेरा एरर मैसेज होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपका ओटीपी गलत होता है तो ओटीपी यहाँ पर गलत बताएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर सक्सेस हो जाता है तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर इसकी आईडी निकाल लेता हूँ, जो भी मेरा सक्सेस मैसेज आईडी है इसमें मैं अपना सक्सेस मैसेज शो कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सक्सेस मैसेज डॉट शो कराना है एंड देन यहाँ पर मैं जो है अपना कस्टम कुछ भी शो करा सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर सक्सेस करा दिया योर रजिस्ट्रेशन या जो भी है हैज बीन सक्सेसफुल, या जो भी आप यहाँ पर एजेक्स वगैरह हिट कराओगे, ठीक है, तो कुछ भी करा लीजिएगा जो भी आपको मनपसंद लगता है, ठीक है। मेरा काम था बस आपको राह देना, मतलब रास्ता दिखाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा देखते हैं कि ये वर्किंग करेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी स्क्रीन को ब्लर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना रियल मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, गलती से भी भूल ना जाए बस मुँह से, ठीक है। तो हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है मेरा। एंड देन यहाँ पर सेंड कोड करता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरे को ना कोड सेंड करेगा, मैं अभी ना अभी अपने मोबाइल पर ही हूँ तो चेक कर लेते हैं। बेसिकली होस्ट नेम मैच नॉट फाउंड बोल रहा है ना, अभी मेरे को यहाँ पर लोकल होस्ट यूज करना होगा, तो लोकल होस्ट, ठीक है। आई होप आपको पता हो ये लोकल होस्ट क्यों लगाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है आपको, ठीक है। अगेन मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यानी हाँ ठीक है, ठीक। एंड देन सेंड करता हूँ, मैसेज सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आएगा, तो अभी तक तो नहीं आया है, कहीं और किसी के पास तो नहीं। हाँ आ गया, बेसिकली मेरा मोबाइल नंबर ठीक था, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं और किसी और पास ना चला गया। तो यहाँ पर मेरा जो ओटीपी है वो है 408450, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ गलत डालता हूँ, लाइक मैंने 408452 डाल दिया। मैं यहाँ पर वेरीफाई कोड करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो द एसएमएस वेरिफिकेशन कोड टू द क्रिएट फोन क्रेडेंशियल इज इनवैलिड, प्लीज रीसेंड द वेरिफिकेशन कोड एसएमएस टू बी श्योर यूज द वेरिफिकेशन, जो भी है फलाना ठिकाना, ठीक है। आप ये एरर मैसेजेस को संभाल लीजिएगा, मैं डिजाइनिंग में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लाइक मैं करेक्ट डालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली ये तो बोल रहा है रीसेंड करो, पर देख लेते हैं क्या होता है। तो हाँ योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, मतलब मेरा सही डाला तो मेरा सही चल गया, ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। मैं अगेन वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, हाँ अभी ये बोलता है द एसएमएस कोड हैज बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। मतलब मैंने एरर, ये आपने देखा कि पहले मैंने गलत डाला तो एरर दिया, फिर मैंने सही डाला वेरीफाई हो गया, फिर यहाँ पर उसी मैं ओटीपी को दोबारा डाल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बोल रहा है द एसएमएस कोड हैज एक्सपायर्ड, प्लीज रीसेंड वेरिफिकेशन कोड टू ट्राई अगेन, ठीक है। मतलब कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देखिए ये जो है ना ये मैसेजेस जो यूअर रजिस्ट्रेशन, इन सभी को आप एक एक मिनट, एक सेकेंड या एक मिनट बाद, या एक मिनट क्यों, बेसिकली आप 2-3 सेकेंड बाद हटा सकते हो, ठीक है, तो सेट टाइम आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर लाइव अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया है, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर ब्लर था, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।